जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज भारत का एक राइजिंग स्टार है ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और उनके द्वारा हाल ही में एक हाईली एंटिसिपेटेड अभिमन्यु अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल को अनवील किया गया है। पहले इसके जो डिजाइन सामने रखी गई थी उसमें जो इंजन कॉन्फ़िगरेशन था वो काफी अजीब था, क्योंकि हमें एक्सटर्नल पॉडेड इंजन देखने को मिलने वाले थे। लेकिन जो नई डिजाइन अभिमन्यु के सामने आई है उसमें हमें एक स्लीक और स्ट्रीमलाइन डिजाइन देखने को मिली है, जहां पर इंजन को इंटरनली माउंट किया गया है और उसमें ट्रेपोजॉइडल साइड इनटेक हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बहुत डिटेल में अगर हम बात करें तो अभिमन्यु के हमें चार अलग अलग रोल में इस्तेमाल होते दिखाई पड़ सकते हैं, जैसे कि अभिमन्यु का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हो सकता है, अभिमन्यु कामिकाजी, अभिमन्यु डिकॉय और अभिमन्यु ISR यानी इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकॉनसेंस मिशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के अधिक डिटेल्स तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि युद्ध स्तर पर इस समय काम चल रहा है और बहुत जल्दी इसको अनवील भी कर दिया जाएगा। जैसा कि हमने पूर्व की रिपोर्ट में आपको पहले भी अवगत करवाया था कि रुद्रम 2 के बाद रुद्रम 3 के जो ट्रायल्स हैं बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इसी क्षेत्र में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। अमेया प्रिसीजन इंजीनियर्स को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जहां पर वो रुद्रम 3 मिसाइल के लिए PCB वॉरहेड असेंबली को सप्लाई करेंगे, और ये जो डिलीवरी है इसी वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगी और इसका इस्तेमाल बेसिकली रुद्रम 3 मिसाइल के डेवलपमेंट में किया जाएगा। ये एक बड़ा माइलस्टोन होगा, क्योंकि रुद्रम 3 को लेकर के ये क्लेम किया जा रहा है कि अगले वर्ष की शुरुआत में इसके जो कैप्टिव ट्रायल्स हैं ये शुरू हो जाएंगे, और कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स के बाद जो आगे के टेस्ट हैं उनको शुरू किया जाएगा, जहां पर इस मिसाइल की कैपेबिलिटी को वैलिडेट किया जाएगा। इसमें परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं। रुद्रम 3 की रेंज की बात करें तो ये 550 किलोमीटर की होने वाली है, और ये मैक 5 की स्पीड पे ट्रेवल करने में सक्षम होगी, जो कि हाइपरसोनिक है। इसके दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट और दूसरा एक ग्राउंड स्ट्राइक वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि एनिमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होगा। आज तक आपने राजनीतिक पार्टियों के बीच में महागठबंधन सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दो देश एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए महागठबंधन करने वाले हैं? जी हाँ, हम सही बोल रहे हैं। ग्रीस ने भारत को एक ऐसा ही प्रपोजल सामने रखा है, जहां पर एडिशनल राफेल की खरीद को लेकर के ग्रीस और भारत के बीच में ज्वाइंट कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल सकता है, जिसके अंतर्गत वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें एक फेवरेबल डील मिल सकती है। ग्रीस ने भारत से कहा है कि अगर दोनों देश मिल करके कोलैबोरेट करते हैं और डसॉल्ट एविएशन के सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं, तो उन्हें एक बेटर प्राइस पॉइंट पे ये जो ऑफर है ये मिल सकता है फाइटर एयरक्राफ्ट का, और इसका फायदा दोनों देशों को मिलेगा। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां भारत भी 26 की संख्या में राफेल M और 114 की संख्या में राफेल फाइटर्स को खरीदने के लिए इच्छुक है, तो वहीं ग्रीस भी अपने एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए इच्छुक है, और इसके लिए ग्रीस ने भारत को ऑफिशियल प्रस्ताव भी दे दिया है, जहां पर ज्वाइंट कोलैबोरेशन की बात की गई है। हालांकि भारत इस समय अलग अलग फैक्टर्स को इवैल्यूएट कर रहा है, जिसमें कॉस्ट बेनिफिट, डिलीवरी शेड्यूल और भी दूसरी चीजें शामिल है। सब कुछ सही रहा तो आगे हमें ज्वाइंट निगोशिएशन अप्रोच है वो देखने को मिल सकती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट मिराज 2000 को लेकर के आ रही है। हम सब जानते हैं कि भारत ने 2011 में मिराज 2000 के अपग्रेडेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी, और अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो 2024 तक ये अपग्रेड पूरे हो चुके हैं। लेकिन एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर 2019 में भारत के द्वारा मिराज 2000 के लिए मीटियोर मिसाइल की डिमांड की बात की गई थी, लेकिन उसे डसॉल्ट एविएशन और MBDA ने ठुकरा दिया। इसके पीछे उन्होंने दो तर्क दिए। पहली बात तो ये थी कि मीटियोर के इंटीग्रेशन के लिए मिराज 2000 में बहुत मेजर मॉडिफिकेशन करने पड़ते, जिससे कि प्राइस काफ़ी हाई हो जाता। दूसरी बात ये थी कि उनका ये कहना था कि मिराज 2000 एक पुराने प्लेटफॉर्म है और उसमें MBDA को फुली कंपैटिबल बनाना बहुत चैलेंजिंग टास्क है, और इसके बाद भी वो गारंटी नहीं दे सकते कि मिराज 2000 जो मीटियोर का फुल पोटेंशियल है उसमें उसको इस्तेमाल कर पाएगा, और इसीलिए डसॉल्ट एविएशन ने जो मीटियोर का इंटीग्रेशन है उससे मना कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि तेजस मार्क टू और रामका में शायद ये मिसाइल हमें देखने को मिल जाए। अगली बड़ी अपडेट BMP-2 को लेकर के है। BMP-2 जो कि भारत की इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, इसको लेकर के आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। BMP-2 में कुछ इनहाउस डेवलपमेंट किए गए हैं, जहां पर अब इसे एक यूनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये देख सकते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें एक सिंगल लॉन्चर थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देखने को मिल रही है, जो कि BMP-2 के सबसे ऊपर माउंट की गई है। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसका जो ट्विन कॉन्फ़िगरेशन है ये भी फाइनलाइज हो चुका है और उसे इंटरनली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरे मेजर अपग्रेड्स हैं वो किए गए हैं, जहां पर इसके फायर कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, साइटिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, वहीं इसमें जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट है ये भी की गई है। आपको बताते चलें कि BMP-2 और 2 के जो व्हीकल हैं इस समय भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और ये एक बड़ी संख्या में भारत के द्वारा ऑपरेट की जाती है, और इनके अपग्रेड की जिम्मेदारी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने उठाई हुई है। और अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक बयान को लेकर के आ रही है, जो कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर दिया है।
उन्होंने एक मीडिया वक्तव्य को संबोधित करते हुए ये कहा है कि इस समय भारतीय वायुसेना मॉडर्नाइजेशन के महत्व को समझ रही है और जिस प्रकार के जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस सामने आए हैं, जिस प्रकार के युद्ध में रणनीति का बदलाव देखा गया है, उसके बाद ये चीज़ें और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि भारतीय वायुसेना को खुद को फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार रखना होगा। उन्होंने कहा कि मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे लिए आज सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है और हम इस प्रयास में हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनको रिप्लेस किया जा सके, और उसके लिए हमने कुछ बड़े निर्णय भी लिए हैं जिसमें तेजस की खरीद शामिल है और आने वाले भविष्य के जो एक्विजिशन है वो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके किए जाएंगे कि भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाया जा सके। आपको बताते चलें कि इस समय तेजस मार्क टू, एमका, एमआरएफए, इस तरह के जो प्रोग्राम है ये अंडर पाइपलाइन है जिन पे हमें बड़ी अपडेट्स आने वाले भविष्य में देखने को मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।